क्या है तो जीरो करूं हाँ, 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 वाटर नहीं। इसको निकाल तो सही ना पहले से निकाले ना रीडिंग फाइव कर दें 500 Assalamualaikum guys, this is your boy Rahat Ali Aran. So आज मैं बहुत लेट हो गया, आज मैं निकलते निकलते इतना लेट हो गया कि पॉइंट मतलब निकल ही जानी थी पिकअप पॉइंट वहाँ पे सामने, और भी कभी मसला है यार सुबह सुबह उठो भागो और फिर क्या पॉइंट निकल जाए तो फिर और दुख होता है, वहाँ से जाके चढ़ना पड़ता है। खैर आज तो नहीं निकली होगी, अब आ रही है भाई पॉइंट वो ये रही यार। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँच गया भाई। सर्दी भी टाइट डाली, आज फोक बहुत ज़्यादा थी, रास्ते में ब्लॉगिंग की नहीं, बस नींद आ गई, हल्की सी नींद आ गई और सो गए, ब्लॉगिंग वगैरह की नहीं, फोक बड़ी टाइट थी, फोक ज़्यादा थी और आज सर्दी ज़्यादा है। सूरज है बस आज, मतलब टेम्परेचर नहीं है अभी तक सूरज का। चाय वगैरह लें और चलें ग्लास में। ठंडे यार आज जैकेट नहीं पहनी, गलती कर दी, ठंडे बहुत और अब ऐसी सर्दी लग रही है। सर्दी सूरज है मगर सूरज का टेम्परेचर नहीं है अभी तक, थोड़ी देर में टेम्परेचर आएगा। अभी चले अपनी क्लास में। आज मैं दो काम करना भूल गया, एक मैं अपने शूज़ साफ़ करना भूल गया और जल्दी जल्दी मैं लेट हो गया था ना, इसलिए शूज़ भी साफ़ नहीं किए आज मैंने, वो भी साफ़ करने यहाँ से टिशू लेके, और एक काम और करना है हमें। वो क्या करना था जैकेट तो है नहीं, बस क्लास में जाना है यार, पीछे जगह मिलती है अब तो, जल्दी आगे भी पीछे बैठे बंदा मज़ा ही नहीं आता, जल्दी जाना है और आगे बैठना है। अभी मैं अपना कप भी लाना भूल जाता हूँ, मग चाय वाला वो भी लाना है, वो भी कल से है, बस अब आउटबैग ही करना है। आउटबैग में मज़ा है, मतलब ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है। पानी की बोतल लाना भी भूल गया, यहाँ से पहले टिशू लें। चलो भैया पाएंगे, हमारे टिशू आ गए और अभी हमारी हाई टी के लिए बिस्किट भी आ गए। देखते यार मैं गिरता बहुत हूँ जब ब्लॉगिंग करता हूँ ना, पता नहीं क्या सीन है। हमारी हाई टी के लिए बिस्किट आ गए और शूज़ साफ़ करने के लिए टिशू आ गए, ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, मिल गई, हाई टी और टिशू। शूज़ साफ़ करने, जल्दी जल्दी में शूज़ साफ करने ही भूल गया। अभी चलें अपनी टी लें और उसके साथ अगर मग होता तो लेके हम क्लास में चले जाते हैं। आई थिंक ये जगह सही है, परफेक्ट है शूज़ साफ करने के लिए, तो यहाँ पे करते हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने कैंटीन की चाय नहीं पी, लेकिन आज तलब हो रही है चाय की, जाके सीट रिजर्व करूँ उसके बाद अगर टाइम हुआ तो जाके चाय लेते हैं। 3-4 दिन हो गए हम दोनों ना वॉशरूम में ही मिलते हैं, मतलब वॉशरूम में बाहर, मैं पहले ये आया होता है फिर मैं जाता हूँ, फिर मतलब जो भाई आते हैं जब से क्लास स्टार्ट हुई यही हाल है इसका, मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता अभी, पहले इफेक्ट हो सकता है। अभी चलें क्लास हमारी स्टार्ट हो गई, तकरीबन बच जाएं बैठें और कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्ट हो गई, सर आ गए, सर ने कहा भाई मार्कर नहीं मिल रहा, फिर जुनैद बाहर था, जुनैद से मार्कर लेने गया, उसने कहा भाई ज्योमेट्री में पढ़ा है, अब ज्योमेट्री से निकाल के दें सर को। ठीक है सर, लाफीज। क्लास एंड हो गई, अब भागे भाई बाहर। तो भैया बस क्लास हो गई हमारी, पढ़ लिया हमने, अब सीन है कि सर ने कहा कि 50 नंबर की असाइनमेंट है जो चलेगी 6 महीने, मतलब एक सेमेस्टर पूरा, और 5 नंबर की होगी हर वीक, वो देनी है, 5-5 नंबर मिल जाएंगे, पेपर में इजी होगा, निकल जाओगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब मिल गई है पहली, वेनेसडे को जमा करवानी है, अब सेकंड क्लास लेने के लिए चले। एक्सपेरिमेंट हो गया था कल, सेकंड क्लास भी हमारी डन हो गई, सर ने कहा जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ वो यहाँ पे रुकेंगे, जिनका हो गया वो चले जाए, हमारा नहीं हुआ था 3 दिन से वेट करें, आज हमारा नंबर आया, अटेंडेंस लगा के फिर हम जाएंगे लैब में अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। भाई कौन सा ग्राफ बना रहे हो? भाई ये ग्राफ जो है हमने जो प्रैक्टिकल सीखा है ना, ये ग्राफ वो बन रहा है जो हमने कल प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, वो बन रहा है कि उसकी रीडिंग्स ले ली हैं, तो अब ये है कि ये ग्राफ बन रहा है, इंशाल्लाह बनाते हैं, हमें कल बनाना है ना। चलो भाई शुरू करो, ग्राफ बन जाए, वैसे हमने तो आज परफॉर्म करना है, हम परफॉर्म करने के बाद बनाएंगे। चलो देव शाह कंपनी देने जा रहा हूँ, ये सारे लड़के जा रहे हैं, मतलब इनका हो गया था, हम बच्चे में ब्लॉग बनाने का भी अलग ही मजा आता है मॉर्निंग में। तो ये ब्लॉग कब अपलोड होंगे ये तो भाई को खुद नहीं पता, आजकल भाई पढ़ रहे हैं। पहले हमारी क्लासें यहाँ होती थी, अब हमारी क्लासें उस बिल्डिंग में होती हैं। ये हमारी लाइब्रेरी थी जहाँ से हम आए, और फरहान वाले वहाँ पे गए, कोई उनको काम था, हम अभी चले रिफ्रेश हो गए, जोयो वाले चले गए लैब में, हम भी चलें लैब में, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आज हमारा नंबर है, 3 दिन बाद आया है, और चलें देखें क्या परफॉर्म करना है। अरे आप इतनी कवर करने का कोई ऑटो जीरो वाली फंक्शन हो सामने से तरह से कर दो पता कैसे चलेगा, स्टेबल हो गया ये
15 मिनट में स्टेबल हो जाएगा भैया। यार हम लेब में जैसे रीडिंग लेने अभी लेनी थी, ली नहीं थी, तो मैं उसमें ना क्लास में जनरल भूल गया था, तो अभी सर से कीज ली है, इसको खोले। अभी तो नया नया आइडिया था, मैंने एक दिन ही यूज़ किया, सब भूल गए थे। अब दोबारा क्लास लॉक करें और चलें, करें मिल गया। अब चलें इसको लेके बैग में डालें, क्लास बंद करके चाबी सर को दें, फिर दोबारा लेब में चलें। दोबारा जीरो करूँ? ढक्कन तो लगा देना लेप वगैरह हमारी हो गई सारी, और भाई भाई ने भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया एक्सपेरिमेंट। अब क्या था इतना डिटेल मुझे नहीं पता, आज से इसको रिवाइज करेंगे तो सही पता चल जाएगा। सबने साथ साथ रीडिंग्स लेनी थी और मेरी भी साथ हो गई, और ऐसे इसी तरह मतलब पूरी ग्रुप की पूरी हो गई, फिर वो एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट हो जाना था। तो अभी चले निकले घर के लिए, और पॉइंट में कुछ टाइम बाकी आधा घंटा, और बस अब निकले चल। आज जल्दी फ्री हो गए, आधा घंटा ही पॉइंट में, 12:30 वाली पॉइंट में घर पहुंच जाएंगे, और घर पहुंचेंगे हम तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे करीब, तो चलो निकले। अब 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन के बाद आना है। यार भूख लग रही है, अगर कैंटीन पे गए ना कुछ खाने पीने के लिए तो पॉइंट में देर हो जाएगी, शायद सीट ना मिले, तो अभी यहाँ से कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं और वही बस में बैठ गए, पॉइंट में बैठ के खा लेंगे। बागुला निकाल दें, बागुला बादाम फ्लेवर में एक। काफ़ी सारा काम भी मिल गया, काम भी स्टार्ट हो गया, होमवर्क असाइनमेंट्स मतलब वीकली असाइनमेंट्स, बहुत सारा काम स्टार्ट हो गया भैया। मतलब आज पहले महीने की 20 तारीख है, मतलब 1/20/2022। अब ये व्लॉग्स तो बन रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे ये, जब एडिटिंग का टाइम मिला हम इनको तब अपलोड करेंगे। वो सामने हमारी पॉइंट्स खड़ी हैं, 12:30 वाली हमें इसमें जाना है, उसके पीछे खड़ी है 1 वाली, फिर उसके पीछे खड़ी है 2 वाली। 2 वाली तो बहुत देर कर देती है, 1 वाली भी देर करके 12:30 वाली में जाएंगे, क्योंकि हम टाइम पर पहुँच गए हैं भैया। इधर कर लिए, अभी गर्मी है अंदर ना, धूप आ रही है इसलिए बाहर खड़े हुए हैं। आज मतलब जुमेरात है, मतलब थर्सडे वाले दिन पॉइंट्स बहुत फुल होती है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हॉस्टल वाले होते हैं ना, वो सब ने घर जाना होता है, और इसलिए पॉइंट फुल हो जाती है। इसलिए आप पहले आ जाओ और अपनी सीट रिजर्व कर लो, वरना फिर खड़े होकर जाना पड़ता है। सीट रिजर्व हो गई है, थोड़ी देर वेट करें, टाइम है अभी पॉइंट में निकलने में तकरीबन 15 मिनट है, उसके बाद ही निकलेगी, फिर हम बैठ के जाएंगे। सुबह सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, और दोपहर के टाइम गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मतलब टेम्परेचर वेदर चेंज हो रहा है, सुबह सर्दी होती है और फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है।